वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2015 में आई नैना फॉरएवर के बारे में बात करेंगे। ये एक ब्रिटिश कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस बेल ने। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ज्वाइंट मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अगले हफ्ते से सिर्फ ज्वाइंट मेंबर्स के लिए ही एक्सट्रीम अंडरग्राउंड डिस्टर्बिंग मूवीज की फाइन अलग अलग सेपरेट वे में एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, जो कि मैं कुछ गाइडलाइंस के चलते नॉर्मली इधर नहीं डाल पाऊंगा, जहाँ पर आप हमेशा देखते हैं, क्योंकि वो सारी मूवीज ही ऐसी हैं और आप सभी को अच्छे से पता है कि वो मूवीज कौन सी होने वाली है। सो इन दी एंड अगर आप सभी को लगता है कि आप हमारे चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम सिटी के एक लोकल वॉलमार्ट शॉप को दिखाकर होती है, जिसमें इस शॉप के अंदर काम कर रहे हैं हम सभी एक होली नाम की लड़की एंड रॉब नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि ये दोनों ही काफी टाइम से इस सैन पैट्रिक नाम के मार्ट के अंदर पिछले कई महीनों से एक साथ काम कर रहे होते हैं। और इस यंग कपल को एक दूसरे के लिए इतने महीनों तक एक साथ काम करने के बाद एज यूजुअल एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग होती है, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट करना चाहते थे। बिकॉज इन दोनों को एक दूसरे के बारे में यह अच्छे से पता था कि इनमें से कोई भी लिविंग एट द प्रेजेंट टाइम रिलेशनशिप में नहीं था, यानी कि ये दोनों ही सिंगल थे, क्योंकि उसका पीछे का रीजन बेसिकली दरअसल कुछ ऐसा था। वेल, अभी हफ्ते भर पहले होलिका मैथ्यू नाम के लड़के के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ब्रेकअप हो गया था। बिकॉज यश पे हमेशा अपने इस रिलेशन के अंदर एक काइंड ऑफ अननेसेसरी डोमिनेंस रखना चाहता था। आई मीन, जो बस उसी के हिसाब से ही अपनी लाइफ को जिए, फिर चाहे भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो कि होली को ये बात बिल्कुल भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो मैथ्यू से अपना 1.5 साल पुराना रिलेशनशिप तोड़कर हमेशा के लिए उसको छोड़कर ब्रेकअप कर लेती है, ताकि ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सके। और अब रही बात रॉब की, तो वेल, इसका पास्ट का रिलेशनशिप थोड़ा सा शॉकिंग भरा था, जो कि वो किसी नैना नाम की लड़की के साथ पिछले 5 साल से एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में था, जिसके साथ रॉब आने वाले नेक्स्ट वीक यानी कि वैलेंटाइन डे को शादी भी करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब होता ही उससे ठीक एक महीने पहले ही नैना, जो कि वो ऑफिस से लेट नाइट बिजी शेड्यूल के चलते अपना कुछ मीटिंग का काम निपटा के कार ड्राइव करते हुए घर ही जा रही थी, तो तभी ही बीच रास्ते में कार के ब्रेक से अचानक से फेल हो जाने की वजह से ब्यूटिफुल वे में एक्सीडेंट के दौरान नैना की मौत बीच रास्ते में ही हो गई थी, जिस वजह से नैना की मौत से रॉब की लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था और दिन प्रतिदिन डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहा था। बट अब ये नैना की मौत की बात को भुला कर ओवरकम करते हुए मूव ऑन कर अपनी लाइफ को नए सिरे से जीने के लिए ड्यूटी से काम करने के बाद नर्वस होते हुए होली के पास जाकर उसको अपने साथ डेट करने के लिए कहता है। तो अब जैसा कि हम सभी इस मूवी की शुरुआत से अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं कि होली, जो कि ये भी कहीं ना कहीं रॉब को डेट करना चाहती ही थी, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे इसका डेटिंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। बट अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस कपल ने एक दूसरे को, स्पेशली रॉब ने होली को प्रपोजल के दौरान अपने पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी जो मर चुकी थी। तो खैर, अब एनीवेज सीन अब इधर से चेंज होकर सीधा नेक्स्ट वीक फिर से घूमकर होली और रॉब के तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर ये कपल कई दिनों तक एक साथ वेल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करने के बाद और एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानने और समझने के बाद अपने इस रिलेशनशिप का पहला हुकअप करने के लिए ही जा रहा होता है। तो इंटीमेट होने के कुछ ही देर के अंदर ही अचानक से इनका बेड जोर जोर से खुद पर खुद अपने आप ही हिलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एकदम से खून से भर जाता है। तो जिसे देख ये दोनों डर के मारे कुछ सोच समझने की या फिर करने की कोशिश करते, तो तभी ही ठीक इनके बेड के नीचे से अचानक से वही नैना नाम की लड़की
जिसको अभी तक एक काइंड ऑफ ठीक तरीके से मरने के बाद मॉस्क नहीं मिला था, फिर से घूमकर इस दुनिया में आ जाती है, जो कि यही रॉब की पहली गर्लफ्रेंड होती है, जिसके बारे में हम सब अभी तक मूवी की स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे थे। सो मीनवाइल होली ये नैना को इस तरीके से अपने सामने अपीयर होते थे, तुरंत ही डर के मारे खड़े होकर अपने सारे कपड़े पहन रॉब के घर से चिल्लाते हुए भागकर चली जाती है। तो होली के जाते देख नीना भी कुछ ही मिनटों के अंदर ही अचानक से गायब हो जाती है। और ये सिर्फ एक बारी नहीं होता, क्योंकि जब जब भी रॉब और होली क्लोज आकर इंटीमेट करने की कोशिश करते तभी ही उसी ही वक्त नीना वो अचानक से इन दोनों के बीच आकर अपीयर होना शुरू हो जाती थी, जो कि एक काइंड ऑफ अपनी अपीयरेंस से इन दोनों को हुकअप करने से रोकने की कोशिश करती थी। वेल, अगर आप सभी को स्टिल ऐसा लग रहा हो कि नीना रॉब और होली के बीच आकर स्पेशली नीना के बीच आकर इनके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तो वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि नीना सिर्फ और सिर्फ तभी ही आफ्टर लाइफ से अपीयर होया करती थी जब कभी भी रॉब किसी भी लड़की के साथ हुकअप किया करता था तब, क्योंकि नीना स्टिल मरने के बाद भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रॉब वो नैना को भुला कर किसी और लड़की के साथ रिलेशन ना बना ले। तो बस सब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग रॉब और होली के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर होली ये रॉब से लास्ट नाइट हुई उन अजीबी घटनाओं के बारे में इससे बातचीत करने की कोशिश करती है, जानने के लिए कि आखिर में वो कौन लड़की थी जो अचानक से इन दोनों के बीच में बार बार अपीयर हो जाती थी। तो जिधर रॉब ये फाइनली अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हुए होली को नैना के बारे में सब कुछ बता देता है, ऐसा कहते हुए कि इसके पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड थी जो अब मर चुकी थी, बट स्टिल उसकी प्रेजेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं उसको बुलाकर किसी और के साथ रिलेशन में चले जाऊं, जो कि यूजुअली हम सभी बार बार इस मूवी के अंदर देखते हुए ही आ रहे हैं। तो खैर, अब ठीक पीछे ही खड़ी होली ये रॉब की इन बातों को सुन तुरंत इसके पूरे घर को इमीडिएटली रेनोवेट करवाने के लिए कहती है, और नैना से जुड़ी घर में रखी सारी चीजों को रॉब को तुरंत ही बाहर फेंकवाने के लिए कहती है, ताकि ऐसी कोई भी चीज न छूट जाए जिसे देख रॉब को कभी भी नीना की याद आए, क्योंकि अब यही वो एकमात्र रास्ता था जिससे रॉब व नैना से हमेशा के लिए दूर हो सकता था। तो बस अब इस मूवी के एंडिंग में रॉब ये होली के कहने पर अपने पूरे घर को रेनोवेट करना शुरू कर देता है, जिसमें ये सबसे पहले नैना के घर में रखी जितनी भी फोटोग्राफ्स को होली के कहने पर जला देता है, और अपन सभी ही बेडशीट को जिन पर भी नीना सोया करती थी उनको भी ये तुरंत ही चेंज करने के लिए कहती है, और यहाँ तक कि इसके वार्डरोब में नैना के जितने भी कपड़े मौजूद थे उनको भी होली गुस्से के मारे उठाकर घर से बाहर रखे डस्टबिन के अंदर फेंक देती है। तो अब कई दिनों तक इस घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद और पेंट वगैरह करने के बाद ये कपल एक बार फिर से क्लोज आकर इंटीमेट करने की कोशिश करते हैं। तो तभी ही उसे ही दौरान एक बार फिर से नैना वो इन दोनों के बीच में अचानक से अपीयर हो जाती है, जो कि वो इस बार होली को फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, क्योंकि नैना को ये अच्छे से पता चल चुका था कि होली ये रॉब को उससे दूर करने के इंटेंशन में थी, जो वो कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर चाहे भले कुछ भी क्यों ना हो जाए रॉब से अलग नहीं हो सकती थी। तो बस आप इस चीज को देखते हुए होली ये फ्रस्ट्रेट होते हुए रॉब से हमेशा के लिए अपना यह रिलेशन जो कि कभी अच्छे से बन ही नहीं पाया बुरी तरीके से तंग आकर हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ नैना की वजह से। और रॉब ये भी होली को ऐसे जाता देख उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जानता था कि यही वो एक बेटर ऑप्शन था जिससे कि ये दोनों अलग अलग रहकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे बजाय साथ रहकर। और बस हमारी ये मूवी बहुत ही अनफॉर्चुनेट वे में इस कपल के ऐसे अलग होते ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल, अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी YouTube पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का लिंक दे दूंगा। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी नैना फॉरएवर की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।